फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ तृप्ति सक्सेना। आज हम बनाएंगे मूली के पत्ते की सब्ज़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। मुझे तो बहुत पसंद है, और इसे आप दाल चावल के साथ, पूड़ी पराठा या रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बच्चे इसे नहीं खाना पसंद करते हैं, बट अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे तो बच्चे ज़रूर खाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मूली के पत्ते हमने इस तरीके से बारीक काट लिए हैं और इन्हें अच्छे से वॉश कर लिया है। आलू मैंने बारीक काटे हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बारीक हैं इस तरीके से, और इन्हें भी मैंने धो लिया है। मूली इस तरीके से मैंने बारीक काट ली और इन्हें भी धो लिया है। थोड़ी सी हमने 1 चम्मच चने की दाल ली है, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, अगर आप खाते हैं तो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। नमक लिया है स्वाद के अनुसार, नमक आप थोड़ा कम ही डालिएगा क्योंकि ये सब्जी पिचक जाती है, तो नमक आप बाद में डालेंगे अपने अनुसार। ये मैंने लिया लाल मिर्च, खड़ी लाल मिर्च है, इन्हें मैंने 2 भागों में इस तरीके से काट लिया है। हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच, 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, पैन अच्छे से गर्म हो गया, और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से हम गरम हो जाने देंगे, यानी कि सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम हो जाने देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये चने की दाल। ये चने की दाल आप डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने डाला है लाल मिर्च, तो ये खड़ी लाल मिर्च, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल ज़रा सा ऐड करूँगी मैं, ज़्यादा नहीं, तो अपने अनुसार आप डालिए। हल्दी पाउडर, और ये रही हमारी बारीक कटी हुई मूली। अगर आप मूली के पत्तों में मूली नहीं डालना चाहते तो आप आलू डाल के भी बना सकते हैं। मैंने दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है, आलू और मूली दोनों का। इन्हें हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए आलू, और इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ये मूली के पत्ते, और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मूली के पत्ते डलते ही पिचक जाएंगे, और देखिए वो पिचक गए। अब हम इसमें डाल रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने अनुसार डालेंगे, तो ये मैंने सॉल्ट डाल दिया है, थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ क्योंकि बिना नमक के तो खाने में मज़ा ही नहीं आता है। मिक्स कर लीजिए। और अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से हमें कवर कर देना है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए, और सिम कर देंगे हम गैस को। तो चलिए 5 मिनट का हम इंतज़ार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गई है, बहुत अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से ये भुन गई है अच्छी तरीके से, और इसके सारे आलू और सब कुछ पक गया है। ये देखिए मूली तक पक गई है। तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसकी करते हैं एक सुंदर सी प्लेटिंग। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मूली पत्ता की सब्ज़ी बन करके रेडी हो गई है। और अगर आपको ये सब्ज़ी पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।